वेलकम टू टेस्टी खजाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयशा और आज हम बनाएंगे गोभी की मसालेदार सब्जी। जी हाँ, कॉलीफ्लावर की सब्जी बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, आधा किलो ये गोभी है जिसे मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे दो मीडियम साइज के प्याज हैं, दो मीडियम साइज का ही टमाटर है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और ये हाफ टी स्पून जीरा और 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 8 से 10 लहसुन की कलियां जिसका मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है तीनों का एक साथ ही। ये दो मीडियम साइज का आलू है जिसे मैंने क्यूब में कट कर लिया है। ये कुछ मसाले हैं, सूखे मसाले। यहाँ पे 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पे नमक है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे 1/2 टीस्पून गरम मसाला है। तो चलिए फटाफट से हम गोभी को फ्राई करते हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने तेल डाल दिया है, साथ ही 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने मेथी का दाना डाला है। हल्का सा कलर जैसे ही चेंज हो जाए तो हम अपने गोभियों को डाल देंगे। मेथी का दाना गोभी की सब्जी में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिए। और फ्राई करते वक्त ही मेथी के दाने को डालेंगे हम, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। साथ ही हम थोड़ी 1 से 2 मिनट के बाद अपने आलूओं को भी डाल देते हैं, दोनों ही एक साथ फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए, 1 से 2 मिनट तक हम आलूओं के साथ इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारे सब्जियों का कलर चेंज हो गया है। सब्जियों को अगर हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। इसी पैन में हम मसालों को भूनेंगे। पैन पहले से गर्म है तो इसी में 3 से 4 टेबल स्पून हम तेल डालेंगे। तेल साथ ही हम प्याज को डाल देते हैं। प्याज जो है बिल्कुल एक जैसा काटें, आप जो है बारीक या मोटा जैसा भी काटें, आप बिल्कुल एक जैसा काटें, तभी ये जब फ्राई करेंगे तो सारी एक साथ ही फ्राई होंगी। नहीं तो कुछ जब मसाला हम बनाते हैं तो कुछ खड़ी रह जाती हैं और कुछ जो है घुल जाती हैं। तो इस तरह से आप बारीक प्याज बिल्कुल एक जैसा ही काटें तो बहुत अच्छा मसालेदार जो है मसालों में प्याज खड़े खड़े नहीं दिखते। तो साथ ही प्याज हल्का गोल्डन कलर आया था तो मैंने साथ में ही टमाटर और अपने सारे मसालों को डाल दिया है। और साथ ही हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने से मसाले अच्छे से भुन जाएंगे और मसाले जलेंगे नहीं। हम इसे मिक्स करके फटाफट से इसे ढक देते हैं। ये देखिए, मसाले अच्छे से भुन गए हैं। मसाले अच्छे से भुन जाए इसका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि मसालों का कच्चापन दूर हो गया है और मसाले भुन गए हैं कि नहीं। इसका पता लगाने का अच्छा तरीका है कि जो साइड से तेल जब छोड़ने लगे मसालों से तो हमारे मसाले भुन चुके होते हैं। अब हम अपने सब्जियों को इसमें मसालों में ही मसालों के साथ सब्जियों को भूनेंगे 3 से 4 मिनट तक। अच्छे से हम इसे 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे। मसालों के साथ सब्जियों को ज़रूर भूनिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का। ये देखिए, हल्का सा भून गया है हमारा और आप फ्लेम को मैनेज करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे भूने। मसाले बिल्कुल जलने नहीं चाहिए, जब हम सब्जियों को भूने तो मसाले जलने नहीं चाहिए। और साथ ही अब हमारे भून गए हैं, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। इसे हमें कुक करना है सब्जियों को, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इतना पानी डालेंगे, हाफ कप के करीब मैंने पानी डाला है। इतना पानी डालें कि सब्जियां हमारी अच्छे से कुक हो जाएं, जले नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पे नमक मैंने डाल दिया है। नमक और मिर्च आप टेस्ट करके डाल सकते हैं, इससे जो है एब्जॉर्ब कर लेगा सब्जी में। नमक और मिर्च इसी वक्त एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये देखिए, 12 से 13 मिनट में हमारी जो सब्जी है वो कुक हो गई है। तो मैं अक्सर बनाती हूँ, मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है, इसलिए मुझे 12 से 13 मिनट में एग्जैक्ट तैयार हो जाती है। तो लास्ट में हम गरम मसाले डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। थोड़ी सी ग्रेवी मुझे अच्छी लगती है इस सब्जी में। अगर आपको ग्रेवी नहीं रखनी तो आप पानी मत ऐड कीजिए। सूखा अगर चाहिए तो फिर आप ऐसे ही इसे बंद कर लीजिए फ्लेम को। और ये देखिए, लास्ट में हम धनिया पत्ते से इसे सर्व करेंगे। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। और गरम मसाले को हमेशा लास्ट में ही डालें, इससे जो गरम मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है लास्ट में डालने से। तो ये देखिए, हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है, तो इसे सर्व कर रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल सब्जी हमारी जो है खड़ी खड़ी दिख रही है, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो आप अपने फैमिली के साथ इस सब्जी को इंजॉय कीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक